मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को भी सड़क पर रोककर की जमकर मारपीट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। समान थाना क्षेत्र की घटना, बीच सड़क पर डांस कर रहे थे युवक। आपको बता दें कि शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत छत्रपति नगर में सड़क पर डांस कर रहे युवकों द्वारा दूसरे युवक से मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में पीड़ित आशीष तिवारी निवासी छत्रपति नगर ने बताया कि 24 नवंबर की रात्रि तकरीबन 10:30 बजे वह वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करने पीटीएस चौराहा गया हुआ था, जहां से काम खत्म कर वह वापस अपने घर छत्रपति नगर जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वह रात्रि तकरीबन 11 बजे अपने घर के पास पहुंचा तो वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें राहुल जायसवाल सहित उनके साथ ही अन्य लोगों के द्वारा बीच सड़क पर डीजे की धुन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान राहुल जायसवाल और उसके साथियों ने आशीष को रोक लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की है। आशीष ने बताया कि मौके पर मौजूद अन्य लोगों द्वारा बीच बचाव कर उसे बचाया गया, जिसके बाद उसने घटना की रिपोर्ट थाना समान में पहुंचकर दर्ज कराई है। पुलिस ने आशीष की रिपोर्ट के आधार पर राहुल जायसवाल सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रस्तुत है समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट का, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई? कल रात में मोटरसाइकिल से निकलने वाले व्यक्ति को, आशीष सिंह तिवारी नाम के व्यक्ति को, 3-4 लोग मिलकर मारपीट किए थे। डांस कर रहे थे, वहाँ कोई लोकल फंक्शन था जायसवाल परिवार का, उस पर से थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अभी तक कुछ क्या कार्रवाई? अभी पुलिस जांच में गई है, जो मौके पाएगी तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी।